जय हिंद दोस्तों, खुंगा अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के जीके वन लाइनर्स। पहला, चक्रवात गैम्ब्रियन के कारण हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये चक्रवात साइक्लोन है गैम्ब्रियन के नाम से, और ये न्यूजीलैंड में इसने बहुत प्रभावित किया है। वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल एमरजेंसी लगाई गई है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला यात्री कौन है? तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाली फर्स्ट वुमेन का नाम है रियान बरनावी, और ये कहाँ से है? सऊदी अरब। नेक्स्ट, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो ये साइप्रस के राष्ट्रपति चुने गए हैं, और ये 1 मार्च से अपना चार्ज देंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड दिया? तो IIT इंदौर के छात्रों को दिया है ये मिस्र यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति ने। हाल ही में मोहम्मद साहबुद्दीन किस देश के 22वें राष्ट्रपति बने? तो ये बने हैं बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति होंगे मोहम्मद साहबुद्दीन, और ये 22वें राष्ट्रपति होंगे। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका में श्रेष्ठ कौन रहा? तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए हैं, और टॉप पे इसमें रहा है महाराष्ट्र, भोपाल में शुरू हुए थे एक्चुअली ये, और पूरे MP में ही गेम हुए हैं, और टॉप इसमें किया है महाराष्ट्र ने, दूसरे स्थान पर रहा है हरियाणा, और थर्ड पे है मध्य प्रदेश। हाल ही में मुंबई में 11 से 19 फरवरी को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मनाया जाएगा या चल रहा भी ऐसे बोल सकते हैं। तो ये कौन सा मंत्रालय इसको करवा रहा है? तो यह संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय जो है ये मुंबई में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को होस्ट कर रहे हैं। किसने वुमेन्स प्रीमियर लीग में 2.5 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की? तो वुमेन्स प्रीमियर लीग अभी शुरू होगा, सबसे उच्चतम बोली जो लगी है वो समृद्धि मंथाना के लिए लगी है जो एक क्रिकेटर है। डोरिन रिशियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो डोरिन रिशियन को चुना गया है मॉल्डोवा का। और आखिरी आज का है, हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हुंडई मोटर इंडिया ने बनाया है यस्तिका भाटिया और रेणु सिंह ठाकुर को अपना ब्रांड एम्बेसडर। और ये आज का सवाल है, हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती का उद्घाटन किसने किया है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की जो 200वीं जन्मदिवस था, इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी जी ने, और ये नई दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया। थैंक यू।